welcome to the new class. You know that who am I? I'm your Hindi teacher and as well as your class teacher. आपको पता है आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और आपकी हिंदी की बुक है ना रिमझिम, हाँ उसको आप लोग निकाल लीजिए, ये वाली बुक, ठीक है? और बुक के चैप्टर वन है, पेज नंबर भी वन है, ठीक है? और हमारा चैप्टर का नाम है ऊंट चला। आज हम लोग ऊंट के विषय में जानेंगे, ठीक है? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ऊंट चला। अच्छा, ऊंट किसने किसने देखा है? सबने देखा है गर्ड। आपको पता है ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है बहुत दिनों तक? हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं। गर्ड, चलिए हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, है ना? ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखिए, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब यहाँ पे देखिए, ऊंट जो है वो कैसे चलता है? वो सिर्फ एक ही कतार में चलता है और वो हमारी तरह तेज भाग और दौड़ नहीं सकता है। आपको पता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है और उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ऊंची होती है और उसकी पीठ भी बहुत ऊंची होती है। आपको पता है कि उसकी पीठ ऊंची कैसे हो गई? क्योंकि वो एक ही, जब उसको काम मिलता था तो वो उस काम को नहीं करता था और एक ही जगह में बैठे बैठे सालों तक बैठने के बाद उसका जो पीठ है वो आलसी होने के कारण उसकी पीठ ऊंची हो गई थी। और उसकी जो हाइट है, उसकी जो कद है, वो बहुत ऊंची है हाथी की तरह। हाथी हम लोगों ने देखा है ना कितना विशाल जानवर है, उसी तरह से ऊंट भी बहुत बड़ा जानवर है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। आपको मालूम है बालू में जब हम लोग चलते हैं तो हमारा पैर ऐसे ऐसे पूरा फंस जाता है ना भीगे बालू में, लेकिन ऊंट की पैर नहीं फंसती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पैर का जो पंजा है वो बालू की रेत को, वो बालू में उसके पैर अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है? उसके जो पंजे होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उसका पैर नहीं फंसता है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। आपको मालूम है जब हम लोग थक कर बैठते हैं तो हम लोग पैर फैलाकर कभी इस तरफ कभी इस तरफ हम लोग सपोर्ट लेकर के बैठते हैं, लेकिन जब ऊंट बैठता है वो भी थक कर वो भी बैठता है, लेकिन वो अपनी पीठ ऊंची होने के कारण वो ना दाहिने हो सकता है ना बाएं हो सकता है, वो करवट नहीं ले सकता है, ठीक है? तो बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। हम लोगों ने बताया ना कि पीठ ऊंट क्यों नहीं बैठ सकता है करवट होकर, क्योंकि उसकी पीठ ऊंची होती है, वो इस तरफ भी नहीं हो सकता है और दूसरे तरफ भी नहीं हो सकता है। मजा आया ना कविता में? गुड, मुझे भी बड़ा मजा आया। चलिए अब हम लोग इस कविता से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको टास्क दूंगी और आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके लाना है, ठीक है? चलिए अब अपनी कॉपी निकालिए आप लोग और उस कॉपी में लिखते जाइए, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? ऊंट कहाँ पाया जाता है? आप लोग सब लोग लिखेंगे ऊंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है? सब लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ऊंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है? दूसरा है, ऊंट कैसे चलता है? मैंने बताया ना ऊंट कैसे चलता है, ऊंट कैसे चलता है? हिलता डुलता। गुड, वेरी गुड। ऊंट हिलता डुलता चलता है, हिल कर और डुल कर चलता है। तीन, ऊंट की कद कैसी होती है? ऊंची होती है। गुड, वेरी गुड। ऊंट की कद ऊंची होती है।
सारा आंसर तो आप लोग बता ही रहे हो। गुड। रेगिस्तान में बोझ कौन ढोता है? ऊंट। गुड, वेरी गुड। रेगिस्तान में ऊंट, रेगिस्तान में बोझ कौन ढोता है? गुड। चलिए, आपने ऊंट कहां देखी है? वेरी गुड। कोई किसी ने समुद्र के किनारे देखी है? यस आर्यन। गुड गुड गुड। और कोई गया है क्या राजस्थान? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जैसन गया है राजस्थान? गुड, वेरी गुड। ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऊंची होती है। गुड। और आपने ऊंट कहां देखी है? गुड गुड।